सीमा इस इच्छाधारी नेवले को यहाँ कैसे ले आई है? दीदी से बात करती हूँ। ये आवाज सुरेहान के कमरे से आ रही है, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। समारा कहाँ है? मैंने पूछा समारा कहाँ है? समारा, समारा कहाँ है? समारा, मुझे पता है तुमने समारा के साथ क्या किया है। मैंने उसकी चीखें सुनी थी। कहाँ है वो? मारा ना तुमने उसे? अपनी बीवी पे हाथ उठाया ना? देखो, अगर तुमने उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत किया ना, तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और ऐसे नहीं तो वैसे सजा तो तुम्हें देके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है दिया को भी तुम ही ने मारा था। भाभी, समारा कहाँ है? भाभी मैं यहाँ हूँ। वो भाभी, मैं एक्चुअली वॉशरूम में गिर गई थी, तो अब ठीक हो? जी भाभी, मैं ठीक हूँ। ये नजरें चुराना, रिहा ने तुम्हें मारा क्या? भाभी, आप मेरे बारे में ये सब बातें नहीं बोल सकती। मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? क्यों मारूंगा? गुड, तुमने खुद को कंट्रोल में रखा, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो देता। एक साथ कितनी मुसीबतें। एक तरफ चंदा माँ को जाने से रोकना है, दूसरी तरफ ये रैनाक्षी मुसीबत, और अभी रेहान। मुझे दीदी से बात करनी ही होगी। ये सारे एक साथ यहाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है? अरे अरे भाभी, कम ऑन। आपके लिए ना एक बीएन वेट कर रही है। बीएन? अरे भाभी, बीएन ब्रेकिंग न्यूज़ जानती है? पागल। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, but I think this is good news, है ना? डबल धमाका, क्योंकि कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, और वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मेरी भतीजी आन्या को प्यार हो गया है। Come on guys, let's party! My best friend Chanda का बेटा और मेरी जेठी की बेटी, इन दोनों की शादी होने जा रही है, और मैं बहुत ऋषि बेटा, ये लो ना। क्या बात है अन्ना, कल तक तो तुम बड़ी बिजनेस की बातें कर रही थी, और आज सीधा शादी? प्यार क्या चल रहा है? वैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट, अभी अभी तो मिले हैं। और वो होता है ना, जो पहली नजर का प्यार होता है, बस वो हो गया। फिर देखते ही देखते हमने डिसाइड कर ली कि शादी करनी है। वेरी सून JMW होने वाली है। अरे भाई, अब ये JMW क्या है यार? अरे चाचू, जस्ट मैरिड वाइफ। प्रथा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़का बहुत अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। ये तो आया था अपनी माँ को लेने के लिए, और अब आन्या से सगाई कर रहा है। पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है ये किसी मकसद से आया है। दीदी, ये कोई लड़का नहीं, नेवला है, इच्छाधारी नेवला। ये
कह रही हो? हाँ दीदी, ये नेवला है। मैंने अपनी आंखों से इसे नेवले का रूप लेते हुए देखा है। फिर तो हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो कैसे? मेरे तपस्या के दिनों में माँ ने मुझे कहा था कि नेवला नाग नागना का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये बहुत ही शातिर होता है। किसी से भी कोई भी बात मनवा लेते हैं और कुछ भी काम करवा सकते हैं। और ये नाग नागनों के पीछे से सर पे वार करते हैं और चीर फाड़ कर देते हैं। और ये हमेशा कीमती रत्नों के पीछे पड़ रहते हैं, क्योंकि एक जमाने में ये कुबेर के बहुत प्रिय होते थे और इसीलिए उनमें इतना लालच आ गया था। नेवले और सांप की लड़ाई करोड़ों सालों से है। अगर नेवले को सांप दिख गया, जब तक उसका खून नहीं करता है, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। Come on guys, let's go out. Beer party हो जाए। Ranaksh, we are waiting. Come soon. You carry on, I'll join you. चलो। Come on. Hello. Yeah. What? मैं अभी आ रहा हूँ। Yeah. तुम्हारी ये भाभी बड़ी स्वीट है ना? ऋषभ भाई की किस्मत है कि उनको प्रथा भाभी जैसी पत्नी मिली। उन दोनों को ही देख के मुझे प्यार का मतलब समझ में आ गया। अगर प्यार हो तो इन दोनों जैसा। पर मैं हमेशा सोचती रही कि क्या मुझे ऐसा प्यार मिलेगा, क्योंकि मैं प्रथा भाभी जितनी प्रिटी नहीं हूँ ना। हे आन्या, यू ब्यूटीफुल थिंग। मेरी नजरों से देखो तुम प्रिटी नहीं, प्रिटी जिंटा हो। और तुम्हारी ये आंखें, उफ, मार ही डाला। इन्हीं आंखों में तो डूब के डुबाओगा सबको। I mean, खुद को। Come, let's go. प्रथा, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर जिंदगी में कभी ये कोई बदबू या खुशबू सूंघ लें तो जिंदगी भर नहीं भूलते। और सांप को तो ये दूर से सूंघ लेते हैं। इनकी कोई उम्र नहीं होती, मतलब ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। पर दीदी, ये सब का कोई ना कोई तोड़ तो होगा ना, कुछ तो होगा जिससे हम इस नेवले को हमारे कब्जे में कर सके। हाँ, एक तोड़ है। अगर कोई भी काले लोहे से इनकी आंखों में वार किया जाए तो इनका अंत हो जाएगा। दीदी, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सीमा चंदा माँ से उस अमृत कलश का राज उगलवा दे, उससे पहले हमें चंदा माँ की याददाश्त वापस लानी होगी और सीमा से अमृत कलश को बचाना होगा। चंदा माँ, कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए ना। उस काल रात्रि की रात को क्या हुआ था, कुछ तो बताइए ना। देखिए, अगर आप याद करके बताएंगे तो शायद हम आपको आपके बेटे से मिला पाए। तुझे पता है मेरा बेटा कहाँ? तू मिली उससे? हाँ, मिली उससे, जानती हूँ उसे, और ये भी पता है कि वो कहाँ है। पर मैं आपको उससे तब तक नहीं मिला पाऊंगी जब तक आप उस रात की यादों को ताजा करें और मुझे कुछ बताए। बन्नू, ये बन्नू कौन है? चंदा माँ, अब तक तो आप नागमहल का नाम ले रही थी, अब तक तो हमें ये भी नहीं पता कि अमृत कलश है कहाँ, जिससे हमारा देश बच सकता है। बन्नू, प्रदा, ये बन्नू कौन है? अब कलश के साथ ये बन्नू ही था। उसने बात बन्नू से ही की थी। बन्नू पर कौन है ये बन्नू? बन्नू है कौन चंदा माँ? वो क्या बात की थी? वो बेटों को संभालेगा। उसने कहा था, उसने बात की थी। बन्नू। ये चंदा माँ क्या बात कर रही है? प्रथा, धीरे धीरे इनकी यादें वापस आ रही हैं। ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है। इनकी याददाश्त वापस आ गई तो
तो यही हमें उस कॉलेज तक लेके जाएंगे। सीमा वैसे भी रैनाक्ष और आन्या की सगाई की प्लान कर रही है कल, तो क्यों ना आज मैं भी कल के लिए कुछ प्लान करूं। कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि चंदा माँ सबके सामने सच बोल देगी और सीमा का राज खोल देगी। ए रैनाक्ष, क्या बात है यार, इतनी जल्दी शादी का फैसला? तुम तो बहुत फास्ट निकले भाई। शादी तो लाइफ में एक बार करनी चाहिए ना। अरे शादी का लड्डू लाइफ में एक बार तो सभी को खाना। तो तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें शादी का लड्डू खाना? जब मैंने अपना पूरा टाइम आन्या के साथ बिताया, कुछ अपनी कही और बहुत सारी इसकी सुनी, और फिर हमने आज ही डिसाइड किया कि हम एंगेज हो जाएंगे। आंटी की एनिवर्सरी पार्टी के बाद मैं मॉम को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। घर जाते ही मॉम का ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा, और जैसे ही मॉम को सेटल कर देता हूँ, आई बी बैक फॉर यू। और फिर मैं आकर आन्या से शादी कर लूँगा, और उसके बाद मैं आन्या को भी अपने साथ घर ले जाऊँगा, जहाँ पर हम लोग दोनों मिलकर मेरी मॉम का ख्याल रखेंगे। ऐसा ख्याल तो आज तक शायद ही किसी बेटे ने अपनी मां का रखा हो। ललित जी, आप आ गए। थैंक गॉड। आइए 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 ना। सच में माता रानी की मेहरबानी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी से पहले आप घर तो आ गए। आपको पता है आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है, एक ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऋषभ को मारने के लिए मुझे सिर्फ एक ही सेकंड लगेगा। अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना, समझे? अब ऋषभ बेटा जल्दी लेकर आओ, प्यास लग रही है। मैं पिला देती हूँ जी। ये लीजिए ना। हाय स्वीटहार्ट, क्या बात है, क्या सोच रही हो? मैं देख रहा हूँ कि जब से रैनाक्ष इस घर में आया, तुम बहुत खोई खोई सी रहती हो। क्या बात है? क्या बात है? अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं आप। Of course. आपको कैसे पता चला मैं रैनाक्ष के बारे में सोच रही हूँ? अब क्या करें, तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना आता है। पता नहीं ऋषभ जी, उस रैनाक्ष ने हमें जो नंबर दिया था उसका, उस पर मैंने कई बार फोन करके देखा, हर बार वो फोन कोई उठा के कह देता है कि रॉन्ग नंबर है, वो नंबर रैनाक्ष का नहीं है। पता नहीं, मुझे वो रैनाक्ष बड़ा गड़बड़ सा लगता है, उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। लेकिन प्रथा, कम इन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। अरे रैनाक्ष, तुम अंदर आओ ना। एक्चुअली मुझे तुम्हें ये बताना था कि मेरा जो नंबर है वो चेंज हो गया है, मेरा पुराना नंबर हैक हो गया। ओह सॉरी। और इसीलिए मुझे नया नंबर लेना पड़ा। मैंने सोचा मैं जो भी करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचो। आफ्टर ऑल तुम अपनी कजन सिस्टर की शादी मेरे साथ कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोग से कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों का विश्वास नहीं तो मैं आप लोग। अरे कम ऑन डूड, इंद्रा हमें तुझ पर पूरा विश्वास है। आफ्टर ऑल हमारी बहन आन्या ने तुझसे प्यार किया, और हमारी बहन का प्यार हम सबका प्यार हुआ। जानता है, बहुत पढ़ाकू सी लड़की थी, हमेशा बिजनेस की बातें करती रहती थी। कभी सोचा नहीं था उसे यूं अचानक प्यार हो जाएगा, लेकिन अब हो ही गया है तो बहुत अच्छी बात है। वी ऑल आर वेरी हैप्पी, नहीं? और वैसे भी उसके लिए एक लड़का तो ढूंढना ही था, और तुझसे अच्छा लड़का हमें कहां मिलता।
थैंक यू सो सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच. और इससे भी बड़ा थैंक यू आपको भाभी. आपने मुझे एक नहीं दो दो ट्रॉफीज दिए, एक आन्या और दूसरी मेरी माँ चंदा. अब देखना अपने दोनों प्यार को उड़ा के लेके जाऊंगा तुम्हारे नजरों के सामने से, देख लेना. अब रेनक्स तुम आई गए तो अच्छा क्या, बैठो एक ड्रिंक पीते हैं. नहीं मैंने एक्चुअली वैसे ही आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है. सो यू गाइस हैव अ गुड नाइट. मैं चलता हूँ. तुमने देखा प्रथा, तुम खामखा इस लड़के पे शक कर रही थी, इमीडिएटली आगे तुम्हारा शक दूर करके चला गया ना. अच्छा लड़का है, हमारी बहन का बहुत ख्याल रखेगा. नहीं बन्नू मैं यहाँ पहुंच गया हूँ. हाँ मैं काम कर दूंगा, मुझे मत सिखा, मैंने कहा ना मैं काम कर दूंगा. बाय. ये यहाँ कैसे आया, ये यहाँ किसने रखा है? हाँ रेनक्स क्या हुआ, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो चूहेदानी है, चूहों को पकड़ने के लिए रखी है. मुझे इससे बहुत डर लगता है. इसे यहाँ से लेके जाओ प्लीज प्लीज, इसे हटाओ. ये क्या कर रही हो, इसको हटाओ यहाँ से. मैं एक बार पैसे फंस गया था उसमें. क्या मेरा हाथ फंस गया था और बहुत दुखा था, तुम प्लीज इसको यहाँ से लेके जाओ ना. अरे ये चूहे पकड़ने के लिए है, तुम क्यों डर रहे हो? चूहे पकड़ने के लिए प्लीज, मुझे इससे बहुत डर लगता है. तुम इसको यहाँ से लेके जाओ ना. हाँ प्लीज जाओ जाओ जाओ. बाय बाय. जाओ 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 जाओ. मैं एक ब्यूटीफुल सी लड़की के लिए एक सुंदर सा फूल लेके आया हूं. शेषनागिन तू चाहे कितनी कोशिश कर ले, तू मेरा राज पाश तो कभी नहीं कर पाएगी, पर हां मैं जरूर कुछ बड़ा करने वाला हूं. देख कल की पार्टी में तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने से उस चंदा बुढ़िया को लेके जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी. आज रैनाक्ष और आन्या का रोका है और आज रैनाक्ष के रोके में ही मैं उसका पर्दाफाश करने वाली हूँ. इस रैनाक्ष को घर से निकालना होगा और इसके चंगुल से चंदमा को बचाना होगा. संभल के ललित जी, ठीक है ना? ललित जी मैं आपसे बात कर रही हूँ. आप ठीक है ना? Hey, your anniversary couple. Thank you. Happy anniversary. Thank you. Happy anniversary, bhaijaan. Happy anniversary, Sasu ma. Thank you, Peter. Happy anniversary, ma'am. Sir. Thank you. Happy anniversary, Papa. क्या चल रहा है? क्या देख रहे हो? आज मॉम और बाकी सब करेंगे पेरेंटल पार्टी. तुम्हारी मेरी बहन के साथ हो रही है एंगेजमेंट, ठीक है? हम आज फुल ऑन ऐश करेंगे, बाहर जाएंगे कहीं पे घूमने घूमने, ठीक है? Thank you so much for this amazing plan, guys. But
आज आनिया के साथ एंगेजमेंट के बाद मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। बट ब्रो, लेकिन दैट्स द प्लान, और आज तो जाना ही पड़ेगा। सारी फैमिली तो यहाँ आ गई है, पर समायरा कहीं दिख नहीं रही। कहाँ गई? समायरा इतनी बुझी बुझी हुई सी क्यों लग रही है? जरूर कुछ छुपा रही है। चलो, आज मुझे माँ को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रथा, आज रात को ये नेवला तुम्हारे पति यानी ऋषि की असली माँ को यहाँ से ले जाएगा, और तुम देखना ये चंदा माँ के थ्रू उस कलश तक पहुंच जाएगा। हमें किसी भी तरीके से आज रात को चंदा माँ की आदाश वापस लानी होगी, और इस नेवले को इस घर से निकालना होगा। आने और कलश को बचाना होगा। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें जल्दी करना होगा। अपनी देश और अपनी मिट्टी के लिए इस कलश को बचाना होगा। आप फिक्र मत करो दीदी, वो अपने आप को बहुत शातिर समझता है, पर नाग और नेवले की लड़ाई में नेवले के पास भले ही ताकत हो, नागिन के पास दिमाग है। मैंने आज शाम की प्लानिंग कर दी है। जी, बहुत सैड लग रहे हैं आप। क्या बात है, अपसेट हो? ये तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। सालों पहले प्यार का नाटक खेला था मैंने तुम्हारे साथ। खुद को तो तुम बहुत स्मार्ट समझते थे, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं। फंस गए ना मेरे प्यार के इस जाल में। फिर मैंने तुमसे शादी कर ली, और उस वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि तुमसे मुझे क्या क्या काम करवाने हैं। वो सारे काम मैंने करवा लिए। तुम सिर्फ चालाकी के पाप बन कर रह गए, और मैं बन गई शैतान की अम्मा। अब देखो ना, हम दोनों की जोड़ी किसी भी मायने में सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम टिके रहे, और आज हम अपना वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू नो व्हाट, आज मेरे लिए डबल धमाका है। आज तुम और तुम्हारी असली पत्नी यहाँ हो, और आज तुम्हारी असली पत्नी से मुझे पता चल जाएगा कि वो अमृत कलश कहाँ है। तो गाइस, आज आन्या और रैनाक्ष का रोका है, तो मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये नागिन अब क्या खेल खेलने वाली है। मम्मी जी और पापा जी की शादी हुई थी बहुत सालों पहले, पर किसी ने देखी नहीं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इन दोनों की फिर से शादी हो। नहीं प्रथा बेटा, अब इसकी क्या जरूरत है, हमारी तो उम्र हो गई। मेरा मतलब है उम्र तो निकल ही गई, अब ये बच्चे बच्चे हैं, इनकी शादी वादी करवाते हैं। नहीं ऋषभ जी, आप ही कहिए ना, सबका अरमान है, आप ही मनाइए ना। आप बोलोगे तो वो जरूर मान जाएगी। माँ देखिए ना, प्रथा कितने प्यार से बोल रही है, मान जाइए ना। अब नहीं ऋषभ। माँ प्लीज। बेटा समझने की कोशिश करो। माँ हम सब चाहते हैं, कम ऑन। नहीं कहा ना। माँ प्लीज। ललित जी, अब ललित जी कह रहे हैं तो ठीक है। आइए मम्मी जी। मम्मी जी, और मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है, आइए। अच्छा, दैट साउंड्स ग्रेट, है ना?
वैसे भी तुम्हारे सरप्राइजेस के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करती रहती हूँ। याद है ना मेरे बर्थडे पार्टी में मेरी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ बुलाकर तुमने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया था, इसलिए आज मैं जानना चाहती हूँ वो सरप्राइज है क्या। हाँ मम्मी जी, ये वाला सरप्राइज तो आपको उस सरप्राइज से भी ज्यादा सरप्राइज कर देगा। अच्छा, आइए ना सब। ये सब क्या है? क्या है ये सब? चंदा आंटी मेरी माँ की जगह पे आपके एल्बम में कर क्या रही है? माँ तो माँ को होना चाहिए ना। I don't know, मैं तो ये पुरानी पिक्चर्स थी सारी, ये पिक्चर पता नहीं कहाँ से आ गए। आप इन सब के बारे में जानती थी? ये सब क्या है? चंदा आंटी तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो डैड उनके साथ ऐसे, ये सब क्या है? पिक्चर्स देख के तो यही लग रहा है कि चंदा आंटी और पापा जी बहुत क्लोज थे। नहीं देखिए मैम, अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही है मुझे सच जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके बेटे से मेरी बहन की शादी हो रही है। मैम मैम मुझे सच बताइए मुझे। आप चंदा माँ को ही पूछ लीजिए ना। तो आप मुझे नहीं बताएंगे यार? चंदा आंटी, ये सब क्या है? बताइए आंटी, घबराइए मत, सच सच बताइए, कौन है आप? ये आंटी जानती है या नहीं? पत्नी है। पति है मेरे, हमारी हमारी शादी हुई थी। ललित ललित ललित, तुम मेरे पति हो ना? क्या बोल रही है डैड? ये जो बोल रही है वो सच है? I can't believe. माँ, हम जानती थी इन सब चीजों के बारे में? हाँ इतना तो मैं जानता हूँ कि इन्होंने देश को धोखा दिया है,
लेकिन देश के साथ साथ आपको भी। नहीं ऋषभ बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकते। चंदा, चंदा, चंदा तुम सुनो ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी सहेली हो ना। अब ऋषभ बेटा, इसकी तो याददाश्त चली गई है, अपने सगे बेटे को भी नहीं पहचानती, तो इसकी छोटी सी बात पर तुमने कैसे यकीन कर लिया? बस माँ, बहुत सुन लिया याददाश्त का ढोंग। इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है वो डैड के बारे में? और क्लियर कट वर्ड सुनाई दिया मुझे, ललित, वो कैसे याद था इन्हें? देखिए माँ, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कि इन्होंने पास में आपसे कुछ छुपाया। माँ मुझे सब सच जानने की बहुत जरूरत है। इनके बेटे के साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, अगर ये सब सच निकला ना जो ये बोल रही है, तो ये शादी तो होने से रही। ऐसी सिचुएशन में हम आन्या का रोका रेनाक्ष के साथ नहीं कर सकते। बस! बहुत हुआ। तो मेरे बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ये सगाई करनी है या नहीं? I give a damn. मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। माँ चलिए, तुझे क्या लगा ये सब करके तो इस चंदा बुढ़िया की याददाश्त वापस ले आएगी, मुझे रास्ते से हटा देगी और अपने पति के सामने सारी सच्चाई ले आएगी। वेल डन, सच्चाई तो तेरे पति के सामने आ ही गई है, पिक्चर तो तूने दिखा दी, क्लाइमैक्स मेरा। मैं सारे फसाद की जड़ इस चंदा बुढ़िया को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा सकते तुम। और तू अपनी मां का हाथ पकड़ और निकल यहां से। मां चलो यहां से। तुम्हारे बेटे का कालू, बहुत विकरालू। अगर तुमने मुझे अमृत कलश के बारे में नहीं बताया ना, तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। मेरा बेटा, अगर ललित घर के अंदर, ललित इतना बूढ़ा हो चुका है तो मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका होगा। क्या बोल रही है डैड? ये जो बोल रही है वो सच है। इसका मतलब ऋषभ मेरा बेटा है। हाँ हाँ, ऋषभ तुम्हारा ही बेटा है। अब जल्दी से मुंह खोलो और बताओ कि कलश कहाँ है, वरना तुम्हारी बेटे की सांसें हमेशा के लिए बंद कर देगा। नहीं, नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, कुछ मत कर। तो बताओ कि कलश कहाँ है। बताती हूँ, बताती हूँ, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। कहाँ? उत्तर दिशा में, उज्जैन।
चल। What's wrong with this car? गाड़ी में ही रहना। जानती थी तुम पीछे से वार करोगे, क्योंकि पीछे से वार सिर्फ कायर करते हैं। पर तुम चाहे जितने भी वार क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें चंदा माँ को अपने साथ नहीं लेके जाने दूंगी। हो, रोक सकती हो तो रोक लो। दीदी जल्दी चंदा माँ को लेकर यहाँ से चली जाइए। तुम सफाई से रहना, ये नेवले बहुत शातिर होते हैं। दीदी यहाँ से चले जाइए उन्हें लेकर। दीदी जितना जहर उगल ले, अमृत कलश पाने से मुझे रोक नहीं सकती नागिन। प्रथा, इस नेवले से ऐसे नहीं लड़ सकते। देखे तो मैं कैसे चोट पर जाके यहां से निकल गया और चंदा माँ को भी ले गया। चाची जी, अगर वो सच में गलत निकला तो? नहीं बेटा, वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ, जिस अंदाज से, जिस तरीके से उसने तुम्हारे भाभी के साथ बात किया, वो गलत था। एक सच बताओ, मेरी जो दोस्त है ना चंदा, बड़ी पागल सी हो गई है, सब कुछ भूल गई है वो। तुमने देखा ना तुम्हारे चाचा के साथ वो कैसी बातें कर रही थी? हाँ, ये सब कुछ देखकर ऋषभ ने रिएक्ट किया, और उसको देखकर तुम्हारी भाभी ने रिएक्ट किया। लेकिन रैनक्ष भी तो इंसान है ना, उसे भी गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर न जाने वो क्या कर बैठा। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर गया है यहाँ से। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करूंगी। चाची जी, अब मैं भी इस बारे में सोचूंगी। गुड बेटा। कब से चले जा रहे? बता मुझे वो कलश कहाँ है। तुझे पता है ना, अगर तूने मुझे बताया नहीं
तो तेरे बेटे का क्या होगा? मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, उत्तर की तरफ चलो। ये हुई ना बात, वरना मैं तेरे बेटे की जान ले लेता। नहीं प्लीज, नहीं, ऐसे मत करना, उसे कुछ मत करना। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। उसने कुछ बताया? बता दिया है उसने, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, वहाँ पहुँच कर फोन करता हूँ। पेट्रोल खत्म, ये उन दोनों नागिनों का ही काम होगा। जब मैं उन दोनों से लड़ रहा था तभी उन दोनों ने कार का पेट्रोल निकाल दिया होगा, पर ये सब करके भी वो मुझे कलश तक जाने से रोक नहीं सकती। या, इल्ला नहीं। फुल टैंक करना। ए हेलो, सुनो, अब मेरे साथ कोई गेम मत खेलना, हाँ? क्योंकि आज शाम तक वो अमृत कलश मेरे हाथ में आ जाएगा। और एक बात, वो अमृत कलश मेरे हाथ में आ जाए उसमें मैं जहर घोल दूंगी। वैसे तुझे पता है ना ये अमृत कलश क्या है? मैं बताती हूँ, अमृत कलश वो है, उसमें जो भी डालो वो कलश के ऊपर से बहने लगता है। अगर अमृत डालो तो पूरे विश्व में अमृत फैलेगा, और अगर उसमें जहर डालो तो पूरे विश्व में जहर फैलेगा। इसीलिए मुझे वो अमृत कलश चाहिए। एक बार वो अमृत कलश मेरे हाथ में आ जाए, आज रात को ही पूरे देश में जहर फैलाऊंगी, इस देश का विनाश होगा। बस कुछ घंटों की बात है। फिर फोन कर रही हो? अरे यार चुप करना। मैं प्रथा को उसकी असली सासू माँ की आवाज सुनाना चाहती हूँ, सुनोगी? ओह, तो ये बात है, बात करो। प्रथा, प्रथा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा सही सलामत रहना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए चंदा माँ, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, बस आप उसे कुछ बताना मत। चंदा माँ प्लीज प्लीज, वो रनाक्ष को आप अमृत कलश कहाँ है बताना मत। मेरे बेटे को बचा लेना प्रथा, तू सीमा को नहीं जानती, वो नागिन है, नागिन। अपने बेटे को भी डर सकती, मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, हाँ, कुछ भी करूंगी, उसे बचाना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए प्रथा। सीमा गुजराल, जैसे ही मुझे वो अमृत कलश मिल जाएगा ना, उसमें वो सारा जहर घोल दूंगा जो चिंगिस्तानियों ने भेजा है। सुन बेवकूफ है तेरी सासू माँ, वो तो मुझे नागिन समझती है, ये नहीं जानती कि उसकी बहू नागिन है, नागिन। तुम्हें जो चाहिए वो मैं कर रही हूँ ना, तुम्हें अमृत कलश चाहिए, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहां तक। लेके जाना ही पड़ेगा। बस एक घंटा और, उसके बाद वो अमृत कलश रैनक्ष के हाथ में होगा, और फिर वो उस कलश में जहर डालेगा, और उस अमृत कलश को वो गंगा में डाल देगा। एक बार गंगा में जहर फैलने लगे, उसके बाद इस देश का क्या होगा, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरा मतलब है देश का विनाश हो जाएगा, और देश का विनाश हो जाए उसके बाद मैं उस बुढ़िया को, तेरी सासू माँ को सबसे पहले खत्म कर दूंगी, और उसके बाद तेरा पति उसके बेटे को भी मैं खत्म कर दूंगी। क्या हुआ? हार गए, आज मैं हार गई। नागिन नहीं रोती प्रथा,
तू तो नागिन है ना। आई हेट चेयर्स नागिन, आई हेट चेयर्स।